Assalamualaikum, welcome back to Isha's YouTube channel. I hope you all are doing well. I am good, alhamdulillah. So finally, जी आज एक नया दिन है, नया ब्लॉग है आप लोगों के लिए. जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें यार, थम्स अप, जो जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं लाइक ज़रूर करें. और अभी आज मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरी जो खाला हैं, जो कि मुझसे सिर्फ एक साल ही बड़ी हैं, उनकी उनकी एक बेटे की बर्थडे है और दूसरे बेटे का अकीका है. सो यस, वो थोड़ा सा लेट इसलिए करें क्योंकि उनके छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी पहले, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है. सो इसलिए अब कर रहे हैं. सो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर और मैं रेडी हो चुकी हूँ. अपना मुझे वैसे भी हमेशा से रेडी होने का बहुत शौक था, बट आई डोंट लाइक हैवी ड्रेसेस. बट शादी के बाद आपको ना यू नो हैवी ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं. सब कहते हैं यार पहनो पहनो. सो यार मेरा मेकअप वाला काम जो लाइक मेरा शौक वो पूरा हो रहा है, और हैवी ड्रेसेस मम्मा पहना रही हैं, ये पहनो ये पहनो. सो यस, उनकी बात माननी पड़ती है. अब भी हम चलते हैं नीचे क्योंकि सब अगेन मेरा वेट कर रहे थे, हमेशा मेरा वेट कर रहे थे. कितनी प्रोटोकॉल है ना मेरी, ऐसा कुछ नहीं है. अभी भी सब रेडी हो रहे हैं और मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे अपनी पिक्चर्स देनी थी और आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी. सो दैट्स वाई. सो अभी हम चलते हैं नीचे और नीचे जाके देखते हैं आप सब कैसे लग रहे हैं, और जो जो एक्टिविटी होगी ऑब्वियसली आप लोगों से शेयर करेंगे. सो यस, अभी चलते हैं, लेट्स गो. आज इतना मज़े की धूप निकली हुई है. एक्चुअली इतने टाइम से धूप नहीं निकल रही और आज निकली हुई है. वाह, अच्छा मौसम है. यहाँ पे ये ज़ियान पिक्चर्स लेते हुए कोशिश की और मैं यहाँ खड़ी हूँ. ज़ियान से हेलो. हाय. सो ये अभी बस हम बाहर आ गए हैं, डैडी और मामा वगैरह भी अंदर हैं. बुशरा अभी स्कूल से आई बिकॉज उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. सो दैट्स वाई हम निकलते निकलते हमें लेट हो गया. सो यस, वो आते हैं और मैं दिखाती हूँ बाकी सब कैसे लग रहे हैं. ओके गाइज, अभी हम घर से निकल रहे हैं. ये मेरी मम्मा जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हुए क्योंकि डैडी पीछे से बुला रहे हैं हमें. चलें चलें वहाँ जाके हम दोबारा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है मम्मा. अभी हम चलते हैं. ये ना मेरा कुकू और बुशरा अभी बैठते हैं. सो फाइनली गाइज, घर से निकल चुके हैं हम और हम एज यूजल हमेशा की तरह पीछे बैठे हैं और बाकी सब आगे बैठे हैं. लाइक सी मम्मा से हेलो. हाय डैडी जी. हेलो माय गॉड. सो यस, आज थोड़ा सा बुशरा का मूड ऑफ है बिकॉज उसे टाइम नहीं दिया रेडी होने के लिए. ओहो, यहाँ देखिए जी आप क्या हो रहा है. गाड़ी ध्यान से चलाइए. माशाल्लाह माशाल्लाह. आगे मामा और डैडी का रोमांस चल रहा है. सो यस, अभी हम जा रहे हैं वेन्यू पे और अभी हमने भाई को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हम भी घर से निकल रहे हैं 4 बजे का टाइम, और हमें उन्होंने कहा था 1 बजे का. हम 3 बजे घर से निकले हैं लेकिन 1 घंटा पहले जा रहे हैं. सो यस, फर्स्ट टाइम हम जल्दी कहीं पहुंच रहे हैं. तो यस, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं. हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये ट्रक्स वगैरह को ज़्यादा ही शो मचा रहे हैं. हम पहुँचे हैं टेस्टी गार्डन रेस्टोरेंट. सो मैंने दुपट्टा ये ऐसे ले लिया बिकॉज ये साइड पर ले रही थी, तब भी स्लिप हो रहा था और अब ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक गिरेगा नहीं. तो ये रही मेरी पूरी फैमिली. डैडी जी चलें, डैडी आगे चलें, कोई बात नहीं. मम्मा आप दिखाएं. ये मम्मा ने वही ड्रेस पहना है जो मेरी इंगेजमेंट पे पहना था, हमेशा की तरह. तब भी प्यारा लग रहा था, अब भी प्यारा लग रहा है. कैसे हैं आप? ठीक है. हेलो डैडी जी. अल्लाह. डैडी ने मेरी वीडियो के लिए फ़ोन अपना छोड़ दिया है, क्या बात है. अभी हम अंदर जा रहे हैं और उम्मीद है कि कोई नहीं आया होगा आज, क्योंकि आज हम जल्दी आ गए हैं. तो अभी हम अंदर जा रहे हैं. क्या जी, सारा सेटअप लगा हुआ है. अभी हम अंदर जा रहे हैं. सो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं. हम इसके पास हैं, बाकी सब उधर हैं. हम इधर हैं क्योंकि सर्दी बहुत है. अंदर भी हमें सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी है भाई, है ना जान. मैं एक बहुत ही गंदे बच्चे के साथ बैठ गई हूँ जो कि मुझे इतना इरिटेट कर रहा है, इतना इरिटेट कर रहा है. मेरे वास्ते में हमारे खाला के ना बेटे हैं, जो लाउड बोली थी मेरी खाला, मतलब हाँ मेरी मम्मा की बहन है जो है ना, उनके जो दो बेटे हैं जो मेरी जान है, ठीक है. मैंने इशी, मैं और आप हमारी जान है. मैं यहाँ बैठा होता है, ईशी आके बैठी है. मैंने कहा ईशी आप ना जब वो आए तो यहाँ से उठ जाइएगा, मैंने उनको बिठाना है. आप ईशी कहती नहीं, और ये आके बैठी है ना कि मैं बैठा हूँ. मैं अपनी सीट से क्यों उठूँ? आप वाई क्यों? मैं बैठा था पहले यहाँ, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, बस आप मेरे बाद बैठी थी. क्या आप मेरे बाद बैठी थी? हाँ तो यहाँ कोई बैठा नहीं था ना, इसलिए मैंने कहा था आसान को बिठा. कीप क्वाइट.
अच्छा मेरा पार्टनर और मैं हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि सब अंदर हैं, हमने पिक्चर्स लेनी है और वीडियोस बनवानी थी तो हम यहाँ बाहर आए हैं। ये बाहर फैमिली एरिया में मैं आई हूँ। यहाँ पर देखे नीचे यहाँ पे बॉनफायर की ये जगह बनाई हुई है और ये सारी नाइस। मुझे ना यहाँ पे फील आ रहा है लाइक नवाब का होटल नहीं होता, वैसी फीलिंग्स आ रही हैं, बट सीरियसली बहुत प्यारा है, मज़ा आ रहा है। नहीं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थिंक सो आई हूँ, पहले आई होंगी तो बहुत पहले आई होंगी, मुझे याद भी नहीं है अब। सो यप अभी मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर्स लूँगी, उसके बाद मेरी इंस्टाग्राम पे आप जाके देखिएगा। अभी हो रही है हल्के के और मेरी मम्मा वहाँ वो रही, ये देखें जी पिक्चर्स बनवाते हुए, सब अपने अपनी पिक्चर्स बनवा रही। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मम्मा। सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा बस मैं आज जल्दी में तो नहीं रेडी हुई, बट मैं अपनी लुक से इतनी भी ज़्यादा सेटिस्फाइड आज नहीं हूँ, पर फिर भी मम्मा कह रही है अच्छी लग रही है तो अच्छी लग प्यारी लग रही है और ये तो हमेशा ही प्यारी लगती है, इसमें क्या है। हाँ हाँ आप भी हाँ जी हाँ जी हम फॉर्मल हो, बेटी किसकी हो। हाँ बिल्कुल यही है। सो ये और सबसे बड़ी बात, जिनका फंक्शन है वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है, फीजा पहुंची, मेरी खाला पहुंची नहीं है। हाँ बट ये कि हमें वीडियोज़ बनाने का पिक्चर्स लेने का टाइम मिल गया। अभी हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि अभी वो नहीं गेस्ट आए, होस्ट नहीं आए। सो दैट्स व्हाई एक इतनी मानो फ्री हो गई है यहाँ पर हमारे साथ। ये देखे मम्मा उसके मम्मा करना है इसको दोबारा से, ये देखो आपको काट ना ले बस। आओ, वो ये देखें वो उसके लग रहा है कि मम्मा उसे कुछ खाने के लिए डाल रही है, इस वजह से वो मम्मा के पास आ रही है। हमारे घर में भी मानो है और मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसे ना थोड़ा वो तो वही हमारी जान है यार, हाथ लगा लेती हूं यारी। मैं कहती हूँ आज तक ये इतनी साथ चल रही है, हमारे साथ आ रही है। हमारी जो मानो है ना उतनी मैंने प्यारी आज तक कोई कैटो नहीं देखी, मुझे इतनी प्यारी लगती है वो। ये देखिए हमारे साथ साथ आ रही है, साथ साथ अब जा रहे हैं हम अंदर बिकॉज अब हमें सर्दी लगने लग गई है यहाँ पर। सो फाइनली जी एक शख्स को टाइम मिल गया है मेरे पास बैठने का, वो है ये। मजाक करी मेरे पास ही तब से बैठी हुई है। ये मेरी खाला भी है, मेरी दोस्त भी है, सब कुछ है ये। और ये रही हमारी मम्मा, इनकी बहन, ये दोनों बहन, ये मेरे से एक साथ है। ये दोनों आपस में बहनें हैं। हाँ सही बात है, आप भी हमारी बहन लगती हैं। मैं भी इनकी बड़ी बहन लगती हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे इनका बेबी भी आ गया माशाल्लाह। ये कह रहे हैं मुझसे शादी कर लो, शादी करूँ कर लो। सो यहाँ अभी हम सब बैठे हुए हैं, खाने का वेट हो रहा है और अभी तक खाना नहीं आया, कोई बात नहीं। इसकी इस लड़की ने हमसे गलत बयानी की है, 1 बजे बुलाया था हमें, 1 बजे 4 बज रहे हैं इस टाइम, बल्कि 5 बजने वाले हैं और अभी भी स्टिल फंक्शन ऐसा ही है। बस अब हमने क्या करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है यहाँ पर, हमने लंच भी करना है और डिनर भी यहीं पे करना है, तीनों चीज़ें यहीं पे करेंगे, सब कुछ करके जाना है। हैप्पी बर्थडे। स्टार्टर आ चुका है, कबाब एंड फिश विद सैलेड। तो ये मटन कढ़ाई आ चुकी है जी। अब हमारे पास अब केक आ चुका है, अब हम केक खाएंगे। फीजा अपना केक खा रही है, मैं अपना केक खा रही हूँ। बाय बाय कर दो, होई बाय बाय, इधर आओ मुझे पारी करो, पारी कर दो, पारी करो, ओ पारी नहीं करो, हारा पारी करो, पारी चलो बाय बाय करो, नहीं करना इसमें बस, बहुत बदतमीज बच्चा है। गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं और हमने लिए हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ जो कि अभी मैं खाऊंगी एकदम। ये देखें जलेबी, सो एक निकालते हैं थोड़ी सी अंदर, अलाइनर लगे हैं कैसे खा सकते हैं यार। ये बड़ा दुख है मेरी ज़िंदगी का कि कुछ खाने लगती हूँ तो पहले अलाइनर उतारो, इसको सिर्फ हम ना ऐसे खा सकते हैं। हल्का हल्का मैं प्रेस कर सकती हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। वाओ सो यम्मी, अलाइनर उतारते हैं अंदर आराम से खाते हैं। वी आर एच होम, हम सब अभी घर में आए हैं और मेरे लेंस ने मेरा इतना बुरा हाल किया हुआ है। सबसे पहले मैं अपने लेंस उतारूँगी बिकॉज मुझे आज इन्होंने इतना इरीटेट किया है, बहुत ज़्यादा इरीटेट किया। सो यस अभी हम चलते हैं ऊपर और वहाँ जाके सबसे पहले मैं अपने लेंस उतारती हूँ एंड देन उसके बाद कोई और काम करते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेट। हेलो गाइज, दिस इज़ माई फेवरेट टाइम क्योंकि मैं अपना मेकअप रिमूव कर चुकी हूँ और फेस वॉश कर चुकी हूँ, अब जस्ट मुझे रिलैक्स करना है और मेरे पास कोई काम नहीं है। सो यस लास्ट में बस जस्ट यही कहूँगी कि प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, थम्स अप गाइज एंड या आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।